सीएम केजरीवाल के बयान पर अमित शाह की डोर टू, साल 2029 तक नरेंद्र मोदी ही रहेंगे पीएम, कोई कंफ्यूजन में ना रहे। अमित शाह ने बीजेपी के संविधान का दिया हवाला, कहा उम्र का नहीं है कोई प्रावधान, मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने भी बीजेपी के संविधान का दिया हवाला, कहा मोदी जी हमारे नेता हैं और आगे भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। सीएम केजरीवाल ने जायज सवाल पूछा, पीएम मोदी ने 75 साल वाले नियम बनाए थे, आप सांसद। संजय सिंह का बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने पूछा था अगले साल 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 के हो जाएंगे, बीजेपी बताए उनका पीएम कौन होगा। अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं पीएम मोदी, अरविंद केजरीवाल ने दिया था बयान। सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, अगर मोदी जीते तो 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी, 4 जून को मोदी की सरकार नहीं आ रही, एनडी गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सीएम केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गए, पूजा कर लिया आशीर्वाद। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं एक सोच है, उनके साथ क्या हुआ पूरे देश ने देखा। सीएम मान ने शायराना अंदाज में बीजेपी पर कसा तंज, तानाशाही का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। 4 जून को बिना आम आदमी पार्टी के समर्थन से केंद्र में नहीं बनेगी सरकार, सीएम मान का दावा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा भ्रष्टाचार के आरोपी को नैतिकता की बातें करना शोभा नहीं देता। नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट बासुरी स्वराज बोली, केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए, इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष हैं। केजरीवाल पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का अटैक, कहा जेल रिटर्न क्लब के लिस्ट में केजरीवाल शामिल। केजरीवाल के अंतरिम बेल पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बयान, डकैत को जमानत मिली है तो जश्न मनाने का मतलब नहीं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने केजरीवाल की बात की, 17 मई को इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने का दिया न्योता। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केजरीवाल का किया समर्थन, कहा पीएम वन नेशन वन लीडर बनाना चाहते हैं। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने निशाना साधा, कहा भ्रष्ट कांग्रेस और भ्रष्ट झाड़ू इकट्ठे हो गए। पंजाब की जनता से हरसिमरत कौर बादल की अपील, क्षेत्रीय पार्टियों को करे मजबूत, सेंट्रल पार्टी सेंट्रल एजेंडा चलाती है। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। सीएम केजरीवाल के आवास पर कल होगी बड़ी बैठक, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक होंगे शामिल। दिल्ली के महरौली में सीएम केजरीवाल ने किया रोड शो, सीएम भगवंत मान रहे मौजूद, सही राम पहलवान के लिए मांगे वोट। सीएम केजरीवाल ने कहा, क्या ये मेरी गलती है कि मैंने दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल बनवाए। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप, वो मेरा काम रोकना चाहती है, ये ठीक बात नहीं, तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा। ओडिशा के कंधमाल में पीएम मोदी की रैली, का ओडिशा को विकसित राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का हमला, कहा 2024 में कांग्रेस विपक्ष भी नहीं बन पाएगा, शहजादी अभी भी पुराना स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे। ओडिशा के बोलंगीर में पीएम मोदी ने निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने सिर्फ ओडिशा की गरीबी की तस्वीरें दुनिया को दिखाई। सीएम पटनायक पर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा आपके इलाके में सीएम चुनाव लड़ने के लिए आए, गाजे बाजे से उनकी विदाई करिए। बरगढ़ की रैली में बोले पीएम मोदी, ओडिशा को प्रगति ने सब कुछ दिया लेकिन पटनायक सरकार ने भातहांडी को खाली कर दिया। झारखंड के चतरा में पीएम मोदी की जनसभा, 3 चरणों की वोटिंग में ही इंडिया अलायंस ने हार स्वीकार कर ली। ये चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है, कांग्रेस जेएमएम ना काम करती है ना काम करने देती है, पीएम मोदी का बयान। रैली के बाद पीएम ने चतरा में किया रोड शो, भारी संख्या में उड़े बीजेपी के कार्यकर्ता। तेलंगाना के विकाराबाद में अमित शाह ने की रैली, का ये चुनाव तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले और देश के लिए बलिदान देने वालों के बीच का है। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा, मान लीजिए इंडी को बहुमत मिलेगा तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हैदराबाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह का दावा, दक्षिण में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, तेलंगाना में 10 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा 10 साल से सत्ता में, आरक्षण हटाने के बारे में कभी नहीं सोचा, कांग्रेस झूठ फैला रही। तिरुपति में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। आंध्र प्रदेश के कुनूर में बोले जेपी नड्डा, पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। कानपुर देहात की रैली में सीएम योगी ने बड़े हुंकार, यूपी की सभी 80 सीटें और एनडीए के 400 से ज्यादा सीटें मिलने का किया दावा। सीएम बोले देश में एक ही आवाज है, एक बार फिर मोदी सरकार। सपा और कांग्रेस को भारत की नहीं पाकिस्तान की चिंता रहती, ये चाहते थे राम मंदिर ना बने, सीएम योगी का बयान। बिहार के बेगूसराय में सीएम योगी की जनसभा, कहा कांग्रेस और आरजेडी के शासन में अराजकता चरम पर थी, आतंकवाद और नक्सलवाद बढ़ा रहा था। लालू यादव बिहार को लालटेन युग में लेकर जाना चाहते हैं लेकिन हमें डिजिटल युग में जाना है, सीएम योगी का बयान। बिहार के बेगूसराय में सीएम ममता की रैली, कहा देश को हिंदू देश बना दो, बहुत सी समस्याएं हिंदू ही हल करेगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने पर बोले गिरिराज, इस बार भी वही हाल होगा जो बेगूसराय में हुआ था। राहुल गांधी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चैलेंज, 100 पार भी नहीं जाएगा इंडिया अलायंस। सपा की गुंडई और अराजकता को लोग भूले नहीं हैं, यूपी में सपा एक भी सीट नहीं जीतेगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा।
पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर बूथ हर घर अभियान चलाया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में किया चुनाव प्रचार, डोर टू डोर कैंपेन कर जनता से मांगे वोट। बिहार दौरे पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे पटना में कहा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति करना चाहती है। पीएम मोदी के लिए फिर से सरकार बनाना मुश्किल, रिजर्वेशन की पॉलिसी जो पहले से है वही रहेगी, खड़गे का बयान। कांग्रेस नेता मीरा कुमार का बयान, पीएम मोदी नर्वस हो गए, वो देश के कोने कोने में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। कांग्रेस चीफ खड़गे के बिहार दौरे पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, वे पूरी तरह से फ्लॉप शो के हीरो, कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा। बिहार कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने दिया इस्तीफा, बोले जंगलराज पार्टू की शुरुआत के लिए कांग्रेस ने आरजेडी के सामने घुटने टेके। सीएम हिमंता के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है, देश की जनता के हाल पर बात होनी चाहिए। बिहार के दरभंगा में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट की सलाह दी लेकिन मोदी जी को पीएम पद से नहीं हटाने तक रेस्ट नहीं करूंगा। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी बोले, वो खुद बिहार की सत्ता से हट गए। बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण की बहुत कोशिश की लेकिन बिहार में सिर्फ रोजगार मुद्दा है, आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। बिहार में एनडीए की लहर है, सभी 40 सीटें जीतेंगे, आरजेडी का खाता खुलना भी मुश्किल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। तेजस्वी यादव के परिवार में एक लायक व्यक्ति नहीं, लालू ने पूरे बिहार को निकम्मा बना दिया, सम्राट चौधरी का बयान। लालू यादव की बेटी मीसा भारती बोली, 10 साल में मोदी सरकार ने सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया है, एक भी काम नहीं किया। विपक्षी दलों को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करना आरजेडी का कल्चर है, चिराग पासवान का बयान। महाराष्ट्र के नंदुरबार में प्रियंका गांधी की रैली, कहा सही निर्णय लेकर लोकतंत्र को वापस लाने का चुनाव है ये। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा पीएम मोदी जो भी कहते हैं वो सिर्फ चुनाव के लिए कहते हैं। तेलंगाना के विकाराबाद में बोली प्रियंका गांधी, पीएम मोदी और उनके मंत्रियों में काम के आधार पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं है। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में राहुल गांधी की रैली, वाईएस शर्मिला को जिताने की अपील की। राहुल गांधी ने चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी और पवन कल्याण पर निशाना साधा, कहा इन तीनों का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के हाथ में। उद्धव ठाकरे ने पीएम पर निशाना साधा, कहा 4 जून तक पीएम मोदी का नाटक चलेगा, उसके बाद वे सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से जाने जाएंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव की मतदाताओं से अपील, पिछले चरणों से भी अधिक मतदान करें, कहा भी नहीं तो कभी नहीं। राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव, 17 मई को रायबरेली में करेंगे जनसभा। कन्नौज से बीजेपी कैंडिडेट सुब्रत पाठक ने चुनाव आयोग से की शिकायत, कहा चुनाव को प्रभावित करने के लिए सपा बाहरी लोगों को बुला रही है। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह की सामने समर्थकों से अपील, निराश ना हो, जल्द सही फैसला लिया जाएगा, बीएसपी ने उनकी पत्नी का टिकट बदल दिया है। राज ठाकरे क्या हिंदुओं के मौलाना मौलवी हो गए हैं जो वोट के लिए फतवा जारी कर रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। पुलवामा में फारूक अब्दुल्ला का दावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, केंद्र में इंडिया अलायंस की बनेगी सरकार। हैदराबाद की रैली में बोले IMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अगर हमारी आवाज दबाने की कोशिश हुई तो वोट के जरिए संसद में आवाज बुलंद करेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर लड़ा था, आज देश को बांटने वालों के खिलाफ लड़ना होगा, ओवैसी का बयान। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, हमारा मुकाबला बीजेपी से है, पीएम मोदी देश को बांट रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, मुझे रजाकार बोलो लेकिन युवाओं को नौकरी दो, महंगाई कम कर दो, जनता त्रस्त है। पूर्व सपा नेता प्रदीप सिंह बब्बू बीजेपी में शामिल, पूर्व कांग्रेस नेता जीशान हैदर ने भी बीजेपी का दामन थामा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी की दो टूक, सरकार अल्पमत में नहीं है, कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए, पूछा अगर सच में स्ट्राइक हुई तो तारीख बताएं। रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले असम सीएम हिमंता, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना छोड़ दें, कुछ ही साल में पीओके भी हमारे देश में आ जाएगा। सीएम रेड्डी के बयान पर बोले चिराग पासवान, इन्हें सेना पर सवाल उठाने की जगह उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। सीएम रेवंत रेड्डी ने सेना पर सवाल उठाए, ऐसे बयान के खिलाफ हूं मैं, गुलाम नबी आजाद का बयान। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 13 मई से 26 मई तक चलेगा, मेघालय के उमरोई में होगा आयोजित। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने लद्दाख का किया दौरा, सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। बनारस में गंगा आरती में शामिल हुए अमित शाह और सीएम योगी, दशाश्वमेध घाट पर लेजर शो भी देखा। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, मंदिर को फूलों से सजाया गया। चार धाम यात्रा के पहले ही दिन 2 तीर्थयात्रियों की मौत, यमुनोत्री धाम में दर्शन कर लौट रहे थे तीर्थयात्री। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान, बंगाल पुलिस टीएमसी की चमचागिरी कर रही, उसकी नाक के नीचे संदेश खाली में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ। गुजरात बोर्ड की 10वीं के रिजल्ट्स में 82.56% परीक्षार्थी पास, राजकोट के एक स्कूल में जश्न मनाते दिखे छात्र। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के ने कहा दो टूक, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नोएडा के एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट का मामला, आप विधायक अमानतुल्ला खान के घर पर नोएडा पुलिस ने चिपकाया नोटिस। यूपी के सीतापुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, युवक ने मां पत्नियों और 3 बच्चों की हत्या के बाद खुद को मारी गोली। तमिलनाडु में शिवकाशी के पास पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 5 महिलाओं समेत 8 की मौत, कई घायल।
आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में 7 करोड़ कैश बरामद, एक गाड़ी में 7 बक्सों में रखे थे कैश। असम के कछार जिले में 2 स्थानों से 7 करोड़ रुपए मूल्य के हेरोइन बरामद, 45 साबुन के डिब्बे में मिले हेरोइन।